गाइस वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ वियतनाम। यू आर वाचिंग जिनी एंड एनी। आज हम इस ब्लॉग में निंगबिंग से रवाना होते हुए चले हलोंग बे की तरफ, विच इज 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम निंगबिंग, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टू मेक यू गाइस एक्सप्लोर हलोंग बे थ्रू जिनी एंड एनी विजन। So guys, a lot of adventures and fun activity awaits, and the road ahead is full of surprises. इन्होंने मुझे ये ऑफर किया है। ब्रदर, ही इज द गाय हु वाज अ फैन ऑफ क्रिस्टियानो दैट नाइट, यू सॉ माय वीडियो एंड ही गिव दिस टू अस। बेसिकली इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। व्हाट डू यू कॉल? Korkam fruit. Thank you so much. Come on. Yeah, you too. She's wife. Ananya. And we are from India. I am from India. India. Yeah. You know India? Yeah. Okay. It means you. My name. Name. Yeah. Matthew Gwynn. Yeah. Yeah. Nice to meet you, Matthew Gwynn. Yeah. And your place is so beautiful. And he helped me a lot. So from Ningbing we are going back. Yeah. So okay, bye and take care. Come to India. Yeah. Right, bye. So guys, it's 2:30 PM और हमें लगी है जोर की भूख। खाना ऑर्डर होके आ गया है। हम अभी बस स्टैंड के एक शॉप पे आए हुए हैं एंड वी जस्ट रियलाइज दैट वी हैव मिस्ड आवर बस। पता लगा है कि निंबिंग से हालोंग बे जाने वाली बस 12 बजे तक ही मिलती है। खैर, अभी भूख इतनी लगी है, खा लेते हैं और ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ मिला है, ड्राई फिश की स्मेल है इसमें और है भी एक्चुअली। और हम तो खाते हैं ड्राई फिश, हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, सो इट्स वेरी कॉमन देयर। Say hi to my vlog. Bye. Thank you for the food. Thank you. Bye. And gentleman, he helped me a lot. Your money. Okay. तो गाइज, इसके आगे की कहानी ये थी गाइज कि वो ड्राइवर हमें हाईवे तक छोड़ के तब तक हमारे साथ था जब तक हमें दूसरी बस हलोंग बे के लिए नहीं मिल गई। उसने इतना ज़्यादा हेल्प किया हमारे साथ रह के, मतलब मैं जितना भी बोलूँ कम ही है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड द पीपल ऑफ वियतनाम, रियली थैंकफुल। ये कटहल है, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन ये इंडिया से बहुत अलग है। ये हमारे त्रिपुरा में बहुत फेमस है, हम खाते हैं गर्मियों में, लेकिन यहाँ विंटर में भी मिल रहा है। मेरे को यही समझ नहीं आया कैसे, बट ऑब्वियसली अलग अलग वेदर में अलग अलग चीज़ें पॉसिबल हो ही सकते हैं। गाइज, हम अभी हलोंग बे पे हैं और अभी जस्ट बस ने हमें जहाँ ड्रॉप किया वहाँ से हमने कैब कर लिया है।
अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं फाइनली। इस तरफ उधर बे ही है, वो अलॉन्ग बे ही है, मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, बस से हम लोग आ चुके हैं और अभी होटल पे रूम की तरफ जा रहे हैं। 0310 देखो सिस्टम, ये होता है फॉरेन। अपने इंडिया में ये सब 5 स्टार में मिलेगा और इसको यहाँ पे लागेंगे। हाँ बताओ, ये ऐसी तो रूम है 600-700 रुपये में, इससे बेहतर रूम बताओ और क्या चाहिए आपको, इससे बेहतर क्या मिलेगा आपको। रियली गुड, वर्थ इट। ऊपर से 2-2 बेड दिया हुआ है, लेट आराम से फैल के। चलिए अभी हम लोग फ्रेश फ्रेश होंगे, फिर मिलते हैं आपको सुबह डिनर। अरे पास सामान भी तो नहीं है यार, नूडल्स लेना जो समझ में आए। अभी ये समझ नहीं आ रहा तुम कुछ भी ले रही, ये देख ले, ये ले ले भाई, ये चीज तो सही लग रहा है। इंस्टेंट ब्राउन राइस नूडल्स, ये रहा इंस्टेंट ब्राउन राइस नूडल्स क्रैप फ्लेवर। हाँ ये ले, ये बेस्ट, मैं तो ये ले रहा हूँ। ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे क्या है एग्जैक्टली। सो हमने इशारा में समझा के, सब कुछ समझा के हमने ले ही लिया है। अरे इसमें नहीं है यार फोटो, 10 10 10 10 इज अ 10 10 या 10 यस कम ऑन से हाय टू माय ब्लॉग्स। ये खाना मैंने लिया मतलब वही नूडल वगैरह, और हम तो कुछ भी हो जाता है मतलब मैंने तोड़ने ले लिया, लेकिन इसको प्लेट समझाना बहुत मुश्किल था, हार्ड काम था समझा के। पानी लेके हम अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये गजब सा चीज है, बस तो ये है रूम, ये है सामान, खाना जीनी दर्शक बनाएगा, फिर हम सोएंगे। कल हमारी है एनिवर्सरी, द बेस्ट डे। ये बेस्ट डे कौन सा चाहिए, लोग तो बोलते शादी करके पछताते हैं। खैर भैया हमारा भी 1 साल होने जा रहा है, बाकी के अपडेट हम देते रहेंगे। कमेंट में आपको जो भी कहना है बोल सकते हो। So guys, here we are ending episode 6 of Vietnam. जल्दी मिलते हैं episode 7 में, जहां हम आपको दिखाएंगे हमारी first marriage anniversary celebration at Ha Long Bay, which is the famous tourist spot in Vietnam. और ये थी हमारी अब तक की expense list. Hope you guys like this video. If you really do so, please like, subscribe and comment. Bye bye, take care, see you soon.